दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ राज्य सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए थे कल हमें कि अच्छा अक्षय तृतीया और रमजान के उपलक्ष्य में किसी भी तरह की कोई भी धार्मिक गतिविधि जिन पर रोक लगी हुई है वो आयोजित नहीं की जाएगी और इसके संबंध में जो भी समाजसेवी हैं जनसेवी हैं जनप्रतिनिधि हैं और धार्मिक गुरु हैं धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सभी के साथ हमने मीटिंग की है और उनको ये अवगत कराया है कि राज्य सरकार के ये निर्देश हैं कि अक्षय तृतीया और रमज़ान के मौके पे जो डायरेक्शंस हैं वो लॉकडाउन के लिए और जो हमारा अलग से जो धारा 144 है उसके संबंध में किसी भी तरह की कोई भी धार्मिक गतिविधि अलाउ नहीं है। इसीलिए आप जो भी मतलब आप धार्मिक उपासना करना चाहते हैं और इबादत करना चाहते हैं घर में ही करें और इसके संबंध में हमने जो भी उनके धार्मिक गुरु हैं धार्मिक लीडर्स हैं उनसे हमने चर्चा कर ली है और उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि अगर आप इसको आप इस नियम को तोड़ते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। उन लोगों ने हमें ये आश्वस्त किया है कि इन नियमों का हम कहीं भी अवहेलना नहीं करेंगे और समाज सेवी जनसेवी और सभी से हमने अपील की है कि चूँकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है 3 मई तक तो इस समय आप किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट नहीं करें अपने घरों में रहें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और जो भी आप पूजा इबादत करना चाहते हैं अपने घर में करें और इस दौरान में अक्षय तृतीया के दिन जो कि आने वाला है अगर कोई किसी तरह का कोई वायलेशन होता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पंडित कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के आयोजन में सम्मिलित होता है धारा 144 की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने निर्देशित सभी SDMs को कर दी। देखिए पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी जमात के लोगों का कोई ऐसा डेटा नहीं होता है। हमने ऐसे लोगों की हिस्ट्री निकाली थी जिन्होंने रिसेंटली कहीं पर किसी जमात में पार्टिसिपेशन किया हो। उन लोगों की हिस्ट्री के बेसिस पर लगभग 1800 लोगों को हमने पूरे अजमेर में चेक किया था, उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया था और उनमें कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया था। जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से संदेह के दायरे में थे, चाहे उनकी ट्रेवल हिस्ट्री के कारण या फिर कोई और किसी तरह के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कारण, उन सभी को लगातार जो है मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था CMHO के द्वारा और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम जो है लगातार उन पर नज़र रख रहे हैं। मस्जिद के अंदर कोई रखा होम आइसोलेट? देखिए मस्जिदों में होम आइसोलेट नहीं किया जाता किसी को। हाँ, यदि किसी का घर ही मस्जिद में नीचे या ऊपर की बिल्डिंग में बना हुआ है तो वो अपने घर पर होम आइसोलेट हो सकता है। सर ब्यावर रूपनगर में एक मिला है, देखिए जो वहाँ पर मिला है उसका जमात से कनेक्शन नहीं है, उसका विजिट ज़रूर दिल्ली हुआ है और जैसा मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ जमात कनेक्शन जो है कोई डेटा स्टोर करने का एक तरीका नहीं है। हम लोगों ने इस बेसिस पर कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन से अगर किसी का ट्रैवल हुआ है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि दिल्ली निज़ामुद्दीन में बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड लोग पाए गए थे, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बेसिस पर हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया था, उनको चेक किया था और जहां आवश्यकता थी वहां उनको आइसोलेट करवाया था। बाकी ये जमात या मरकज़ के बेसिस पर लोगों को हम आइडेंटिफाई करके उन्हें अलग अलग नहीं करते हैं और ये एक सही क्राइटेरिया भी नहीं है लोगों को आइडेंटिफाई करने का। हम इन्फेक्टेड एरियाज़ को बेस बनाते हैं, यदि कोई इन्फेक्टेड एरिया के कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सामने आ रहा है, उसे हम आइसोलेट करते हैं। जमात और मरकज़ के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करना सही क्राइटेरिया नहीं है। तो हमारे जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जो काफ़ी सजगता से और लगन से और हमारे को मोटिवेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका आभार कि उन्होंने अजमेर ज़िले के लिए एक खास सामग्री जो पूरे नागरिकों के लिए और सबके लिए ज़रूरी थी वो भिजवाई है, तो उसके लिए तहे दिल से उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनकी सजगता और उनकी जो मोटिवेशन है उसके कारण ही आज जिला प्रशासन और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और आज वर्तमान की परिस्थिति के अंदर हमारे पास 24 पॉजिटिव केसेस आए हैं। हम 1000 से ज़्यादा सैंपल्स कर चुके हैं और आज एक जो केस आया है वो मूलतः बिहार का रहने वाला है और मुस्लिम मोहल्ले के अंदर वो रेजिडेंट है। वो 6 महीने से उसने बताया कि मैं यहाँ पे किराए पे रह रहा हूँ। उसकी बाकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अभी ट्रेस कर रहे हैं, जाकर डिटेल्स और बाकी जो हमारी टीम्स हैं RRT टीम्स वहाँ गई हुई हैं और उसकी निर्धारित और सारी सूचना लेके उस पर जो भी हमारी जो सैंपल्स की जो है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो की जा रही है। और उससे पूर्व जो हमारे जो
पहले काफ़ी टाइम तक इसमें पैनिक की आवश्यकता, अभी भी वापस आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन कोई सज़ा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, ये आपके और हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और इस समय वर्तमान में इस बीमारी से अगर हमको निजात पानी है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हमें कड़ाई से करनी पड़ेगी। अगर हमने इसको कर ली बेखूबी से तो हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से निजात पा सकते हैं।